अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अग्रोहा विकास ट्रस्ट का नवी मुंबई में क्रिकेट टूर्नामेंट, अग्रवाल समाज की 12 टीमें लेंगी हिस्सा। अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि सामाजिक संस्था अग्रोहा विकास ट्रस्ट द्वारा 25 जनवरी को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में नवी मुंबई, थाने, पनवेल एवं मुंबई की कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजक एवं ट्रस्ट के नवी मुंबई अध्यक्ष सचिन अग्रवाल एवं सचिव अनिल मित्तल ने खेल स्पर्धा की जानकारी देते हुए बताया कि टूर्नामेंट में पहली बार महिला टीमें भी मुकाबला खेलेंगी। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज को एकजुट करना और समाज में युवाओं को खेल प्रतियोगिता के जरिए उनमें फिटनेस और सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना ही इस टूर्नामेंट का मकसद है। हमारा जो अग्रवाल समाज है उसमें एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि अग्रवाल समाज की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ अपना चौके चूल्हे तक ही रहती हैं, तो अब की बार हमने ये कोशिश की है कि उनको किसी तरह हम स्पोर्ट्स के अंदर लाएँ, जागरूक करें उनके बीच में। हालाँकि शहरों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, पर ये जो हम अब इसको पूरा हम रिकॉर्ड करके गांव-गांव भिजवाना चाहते हैं, गांव में जो हमारी लेडीज़ हैं वो रिकॉर्डिंग देखें, प्रोत्साहित होएं, और जो उनका स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, जो भी स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं कि क्रिकेट ही खेलना है उन्हें, वो स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े, ये हमारा मेन उद्देश्य है। पिछली बार हमने APL फरवरी में किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था उसमें, तो हम और डिमांड पर पिछली बार की अच्छी डिमांड की वजह से हम ये अब की बार 12 टीमें खेल रही हैं, 2 लेडीज़ टीमें और 10 हमारी जेंट्स की टीमें हैं। और टीमें तो और भी आगे थी हमारे पास में, 20 टीमें तक हो रही थी, पर वो समय की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम ये नहीं कर पाए थे, बट रिस्पांस बहुत अच्छा है। और बॉम्बे और न्यू बॉम्बे दोनों तरफ की मिला के हमारे पास में टीमें हैं और बहुत अच्छा, और अगले साल अगर इसी तरह का रिस्पॉन्स रहा तो हो सकता है अगले साल हम महाराष्ट्र लेवल पर करें। महाराष्ट्र लेवल पे फिर जैसे हम एक दिन का अभी प्रोग्राम रख रहे हैं, हो सकता है हम आगे चल के 2 या 3 दिन का प्रोग्राम रखें क्रिकेट मैच का। एनवायरनमेंट में हम ठीक है, आजकल ये व्हाट्सअप वगैरह हो गए जिसपे हम मैसेजेस दे सकते हैं, पर अग्रवालों को मिलके एक पर्सनली इंटरेक्शन करके एनवायरनमेंट के बारे में और एक पर्सनल लेवल पे आपस में टच करने के हिसाब से और फिटनेस, आज हमको अग्रवालों को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हमको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए फिटनेस के हिसाब से, तो वो हमारा एक एंगल है इसमें। अग्रवा विकास ट्रस्ट वासी नवी मुंबई समिति इस साल पिछले वर्ष की भांति क्रिकेट मैच आयोजन कर रही है। ये तेरना डेंटल कॉलेज में 25 जनवरी को हो रहा है और दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलेगा। इसमें नवी मुंबई की और मुंबई की 12 अग्रवालों की टीम हमारी पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें 2 टीमें महिलाएँ की भी हैं। और एनवायरनमेंट सेव और हमारा मेन मकसद है कि भी अग्रवालों को जोड़ना, फिटनेस और एनवायरनमेंट सेव के ऊपर जागरूक करना सब। पिछला आयोजन बहुत अच्छा रहा हमारा, ये हमने लास्ट ईयर तेरना डेंटल कॉलेज में ही 17 फरवरी को किया था। इसमें नवी मुंबई की सब 9 टीमें खेली थी और इस वर्ष 12 टीमें खेल रही, काफ़ी उत्साह है लोगों में। इसमें हमारा फन, खाना और सब चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जो हमारी प्रतिभाएं थी लास्ट ईयर की जो खेले थे बच्चे, वो ये इस साल आगे बढ़कर रणजी ट्रॉफी में और काफ़ी अच्छे अच्छे स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। बता दें कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रवाल समाज की अग्रणी संस्था है जो कोपर खेलने में महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलाकर समाज को एकजुटता के सूत्र में बांधने के काम में जुटी है। ट्रस्ट हर साल अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती है ताकि हर समाज के वर्ग को उससे जोड़ा जा सके। टूर्नामेंट भी इसी अभियान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।